नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शब्द के वो जादूगर हैं जिनको कहा जाता है शांति स्वरूप बौद्ध, और जो समय प्रकाशन चलाते हैं। शांति स्वरूप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एसएम चैनल के लिए भी मैं धन्यवादी हूँ जी। शांति स्वरूप जी, अभी जो बीजेपी की जीत हुई है, क्या वो पहाड़ों पे, हिमालय पे जाने से हुई है या गंगा में नहाने से हुई है? सारी जनता बोलती है और जय जयकार करती है, उसके बारे में बताएं। ये तो एक ऐसा प्रचार है जिसके बारे में यही कहा जाएगा कि एक खास वर्ग को अनपढ़ बना के रखा जाता है जी। और जब वो अनपढ़ रह जाता है तो उसको मूर्ख बनाने का काम होता है जी। और जब वो मूर्ख बन जाते हैं तो फिर उनके दिमाग में ये डाला जाता है, उसकी कोई प्रगति नहीं हो रही जी। जो मूर्ख है, जो भक्त है, उसकी कोई प्रगति नहीं हो रही, मगर उसको ऐसे नशे में कर दिया जाता है, उसका दिमाग हैक कर लिया जाता है कि वो उसको जो भी समझा दोगे उसी से महिमामंडित खुद होता है, चाहे वो उसके बाप के कातिल क्यों ना हो वो लोग जो उसको महिमामंडित कर रहे हैं। आज देखना ये है कि ये देश में ये पहाड़, ये कंदराएं, ये साधु, ये समाधि लगाने वाले तो सनातन काल से रहे हैं, तो ये देश क्यों गुलाम हुआ? ये गंगा में डुबकी लगाने वाले लोग तब नहीं हुए हैं। एक हमारे यहाँ वर्णन आता है जो 984 सिद्धों के समय में भी आता है, मगर बुद्ध के समय में भी आता है, कि पूर्णिका है, जो दासी है वो सुबह गंगा अपना नदी के घाट पर पानी भरने गई है, ठंडा समय है, मगर वहाँ एक ब्राह्मण आता है और वो कांपता भी है और डुबकी भी लगाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये भरा हुआ है कि तो जितनी डुबकी लगाएगा तो स्वर्ग में जाएगा। तो वो दासी पूछती है पूर्णिका कि आप ये क्या कर रहे हैं, इतनी सर्दी में भी आप डुबकी लगा रहे हैं, नाक पकड़ पकड़ के कांप भी रहे हैं। कहने लगे मैं स्वर्ग प्राप्ति का जतन कर रहा हूँ। कहने आप इसमें डुबकी लगा के स्वर्ग प्राप्ति का जतन कर रहे हो, मगर ये मछलियाँ इतनी सारी जो पानी में रहती ही हैं, तुम तो अभी 2 मिनट डुबकी लगाओगे भाग जाओगे, ये तो पानी में इनका वास है, पानी में इनका जन्म हुआ है, पानी में इनकी सारी क्रियाएं होती हैं, ये क्यों शिकारी के जाल में फंस के लोगों के पेट में जाती हैं, इनको तो स्वर्ग में जाना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें उन लोगों को प्रभावित करने के लिए हैं जिनके पास अपनी कोई अकल नहीं है, जिन्होंने अपनी अकल बेच खाई है। अकल से सोचने वालों को पता होना चाहिए कि ये साधु संतों का देश, हालांकि इस देश में बड़े बड़े साधु संत भी हुए हैं, कल्याणकारी काम किए जिन्होंने, चमत्कार तो खैर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए घड़े जाते हैं और उससे ज़्यादा वो प्रचारित किए जाते हैं। हम पूछना ये चाहते हैं कि तुम इतने बड़े महात्मा हो, इतने बड़े तुम भगवा वस्त्र का कपड़ा पहनकर गुफा में जाके तपस्या करके इलेक्शन जीत गए हो, पर तुमने क्या ये बता दीजिए कि जो माइक पर तुम भाषण देते हो ये किसकी देन है, ये तुम जो मोबाइल पर दुनिया से बातें करते हो ये किसकी देन है, ये जो कपड़े तुम जिस तरीके के पहनते हो ये किसकी देन है? ये या तो दाढ़ी अगर लंबी हो तो हम समझ लेंगे विश्वामित्र जी महाराज की दाढ़ी है, मगर ये कैंची से काट के तुम जो ट्रिमिंग करते हो अपनी दाढ़ी का ये किसकी देन है? अरे सारा तो ये उनका दिया हुआ है जिन्होंने कभी कोई तपस्या की नहीं। तुम अपने षड्यंत्रों पर पर्दा डालने के लिए सारे के सारे षड्यंत्र प्रचारित करते हो। हम अपने बच्चों को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि इन तपस्याओं से, इन फोटुओं से, और देखिए मजे की बात यह है कि जब वो तपस्या कर रहे हैं भगवा वस्त्र पहन के, एक आंख से देख भी रहे हैं मेरी फोटोग्राफी हो रही है या नहीं हो रही है, जो मूर्ति पर वो फूल चढ़ा रहे हैं वो नीचे कदमों में फोटोग्राफर बैठा है अंधेरे में, वो तो जो आजकल जो ये कैमरों के लेंस इतने तेज हैं वो अंधेरे का आदमी भी शूट हो गया, साहब ड्रामा हो रहा है। अब एक बार अपनी फिटनेस साबित करने के लिए काले कपड़े पहन के एक पत्रकार को साथ लेकर के वो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं बोल के ऊपर लेट रहे हैं, कमर के बल लेट रहे हैं, पेट के बल लेट रहे हैं, एक टांग पे उछल, क्या है ये सब? अरे तुम अगर उसमें कुछ धोखा नहीं है, उसमें तुमने कोई उसमें लाग लपेट नहीं है, तो हमारे सामने आके क्यों नहीं करते, जनता के सामने आके क्या खा के कर रहे हो ये सब कुछ, किसे क्या चीज़ छिपाना चाहते हो तुम जो अकेले एक प्रेस रिपोर्टर को बुलाकर ये सारे काम करते हो? इस जनता पर रहम करो। लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शासक 24 घंटे एक एक मिनट अपनी जनता के कल्याण की सोचता है,
उनका भला करने की नीतियां बनाता है और उन पर अमल करता है। मगर यहाँ क्या हो रहा है, अभी हमारी सरकार 50 साल तक रहेगी, मगर काम क्या हो रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। तुम दलितों को पीट रहे हो, हिंदू रक्षक वो जाकर हिंदू हैं तो उनको पीट क्यों रहे हो, पिछड़े अगर हिंदू हैं तो उनका आरक्षण क्यों खा रहे हो, आदिवासी अगर हिंदू हैं तो तुम उनको वनवासी क्यों कह रहे हो। तो ये इस देश में जो सारा कपट चल रहा है, छल कपट चल रहा है, और वो सारे चमत्कारों की आड़ में चल रहा है। अब कह रहे हैं शराब, शराब दे दिया हमने करकरे को, वो मर गया। अरे करकरे को तुमने शराब दे दिया, बहुत अच्छा काम करा, हमारे से पूछे बगैर तुमने उसको शराब दे दी और मार दिया। अरे तुम उसको शराब दो ना, पाकिस्तानियों को, सावरों को, सारी सेना को मिटा दो, एक एक शराब नहीं, 10 शराब दीजिए, 100 शराब दीजिए, 1000 शराब दीजिए, पाकिस्तान को ख़त्म कर दीजिए। इस गरीबी को मिटाओ ना, बेरोजगारी को मिटाओ ना। यहाँ पर जो घर घर में आज तुम्हारे जो बाबा हैं, जो शराब देने वाले बाबा हैं, वही अनर्थ कर रहे, अत्याचार कर रहे हैं। ये तो कभी भी किसी ज़माने में नहीं हुआ कि सारे बाबा आज जेल में पड़े हैं, जेल भी, जेल में सारे बाबा भरे पड़े हैं। अगर इन चमत्कारों में, इन्हों के इस तरीके से भगवा वस्त्र पहन के तपस्या करने में, गंगा में डुबकी लगाने से अगर कुछ होता तो इनको षड्यंत्र करने की कोई ज़रूरत ना थी। ये षड्यंत्र करते हैं, झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलते हैं, विकास का नारा लगाते हैं, इस देश का सर्वनाश कर रहे हैं, और सर्वनाश का नाम विकास रख दिया। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, हमें अपनी जनता को समझानी है। हम गुनाहगार हैं, हम कसूरवार हैं, हम अपने बच्चों को, अपने समाज को, इस देश के पीड़ित वंचित समाज को, अपनी महिलाओं को हम नहीं समझा पाए। तो ये समझाने का काम और द्रुत गति से होना चाहिए, घर घर जाकर होना चाहिए, समझाना चाहिए। ईवीएम का मैंने जैसे बताता हूँ, ईवीएम एक फैक्टर है, उससे नकारा नहीं जा सकता, मगर ईवीएम से जो मक्कारी होगी तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये लोग इतने ड्रामे करते हैं। कहीं गंगा में डुबकी लग रही है, कहीं गुफा में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, कहीं वो ये कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं। तो आज सीधी से बात यह है कि ये ईवीएम से जो गड़बड़ियाँ करते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए और ये बताने के लिए कि ईवीएम की गड़बड़ी नहीं हुई, हमने हिमालय पर्वत की शरण में जाकर के तपस्या की थी, तो उसको ये प्रताप है। तो ये सारे के सारे छल छंद कपट से हमें सावधान रहना है और अपनी पीढ़ी को सावधान करना है। जो कुछ होता है करने से होता है, वो करते हैं, षड्यंत्र करते हैं तो उसको हम भुगतते हैं। हम कुछ करते नहीं ना, षड्यंत्र करते, षड्यंत्र को पहचानते तक नहीं तो उसको हम भुगतते हैं। तो आज हमें षड्यंत्रकारी नहीं बनना है, मगर इतना ज़रूर बनना है कि हम इनके षड्यंत्रों को पहचान सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आपको धन्यवाद। SM TV चैनल की प्रगति की कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।